नूतन क्या हुआ था नूतन बच्चे के साथ में? आप कहाँ थे जिस वक्त बच्चा बाहर गया घूमने के लिए? मैं तो अंदर में रहा, अंदर में थे, आई तो रात गया वो जोर में गिर गया। काय में गिर गया? हाँ एक खड्डा था उसमें पानी था, हाँ ये इसको पता ही नहीं मकान के चला लिए जब। टैंक बनाया जा रहा, उसमें गिर गया था। हाँ कब पता चला आपको उसमें बच्चा गिर गया, कितने बजे? तो लगा 10 मिनट हुआ था, तुरंत निकला हुआ। मतलब 10 मिनट में ही पता चल गया था बच्चा गया। नहीं नहीं तुरंत वो गया घर निकला हुआ धोने दस के मिनट लिए। हुआ था, तो अब दस वो मिनट मकान का जो जो सेफ्टी टैंक था वो ओपन खुला हुआ था या उसमें बंद ढका हुआ था? वो खुला खुला हुआ था। पड़ा हुआ था, गेट भी खुला हुआ था। हाँ रोहिणी के नरेला इलाके में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। निर्माणाधीन इमारत के सेप्टिक टैंक में गिरने से 2.5 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सुबह करीब 11 बजे नरेला इलाके के संजय कॉलोनी में बन रहे मकान के सेप्टिक टैंक में खेलते समय एक बच्चा गिर गया। उसे आसपास के इलाके में काफी तलाशा गया लेकिन नहीं मिला। काफी देर बाद किसी ने बताया कि एक बच्चा सेप्टिक टैंक के अंदर है। तुरंत ही उसे बाहर निकालकर आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आज भाई दूज के मौके पर 2.5 साल के ध्रुव को नहलाकर माँ बाप ने टीके के लिए तैयार किया था लेकिन बच्चा नजरे बचाकर घर से बाहर निकल गया। खेलते खेलते पास में बन रहे मकान के सेप्टिक टैंक में गिर गया। काफी देर तक पानी में डूबे रहने के कारण बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मासूम ध्रुव की एक छोटी बहन भी है। आज दोनों भाई बहन का पहला भाई दूज का त्योहार था लेकिन लापरवाही के चलते भाई की जान चली गई और त्योहार पर बहन अकेली रह गई जिसके लिए मकान मालिक जिम्मेदार है। अब पुलिस ने आरोपी मकान मालिक को ढूंढने के लिए तलाश तेज कर दी है। रोहिणी के नरेला इलाके में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। निर्माणाधीन इमारत के सेप्टिक टैंक में गिरने से 2.5 साल के मासूम बच्चे। जी आपका नाम? हरी प्रकाश। हरी प्रकाश जी, बच्चे के साथ में कैसे घटना घटी, कहाँ डेथ हुई? बाबू सुबह में हम लोग नाश्ता किए और सुबह में आंगन में और नाश्ता करके मेरी पुतो कहा कि बाहर में कपड़े उपड़े टांग दो, सर्दी का टाइम है, धूप में सूखेगा। हम दोनों ये कपड़ा टांगे और फिर मैं बोरी बिछा करके यहाँ लेट गए। धूप के अंदर में धूप नहीं था तो यहाँ लेट गए। उसके 10 मिनट के बाद उसकी वहाँ था फाटक तो बंद था, हम बाहर बच्चा बाहर आ नहीं सकता, मैं यहाँ आकर लेट गए। तो उनकी माँ 10 मिनट के बाद आता है, कहता है कि आज की धूप कहाँ है, हम बोले यहाँ तो नहीं आया है। तब काज खेत के अंदर देखो तो मैं दरवाजा मार के गए खेत के अंदर, उधर गए तो उधर गए तो उधर से आयो का खेत के अंदर है नहीं। तो 5 मिनट के बाद मेरे को ये शंका हुआ, पानी का गड़गड़ाहट हो रहा था, ये पानी देखने के बाद मुझे शंका हो गया कि ये पानी गड़गड़ाहट हो रहा था। हम कहे कि हाथ डाल के चेकता हूँ, हाथ डाले इसलिए हमको मिला नहीं। फिर उसके बाद हुआ कि उसकी माँ धरबर मार के वहाँ उधर गया खोलने के लिए। फिर मैं घर गया, देखे घर के अंदर रीना था, रीना से पूछे जगह इधर ध्रुप है कहने। फिर यहाँ दो चार आदमी जुट गए, मैंने कहा कि भाई हमको शक हो रहा है इस पानी के अंदर, घर घराहट का आवाज आ रहा था। अरे ठीक से जरूर ऐसा आदमी कहा नहीं गहरा होगा ये, अब हमें ये पता नहीं बाबू कितने गहरा है। मैंने तो कम से कम होगा आज, और ये हम कोशिश कर रहे सेफ्टी टैंक है, है? सेफ्टी टैंक था ये, नया मकान बन रहा है उसका सेफ्टी टैंक। हम तो परसों तक से यहाँ आए, हम कोई पता इतना नहीं कितना गहरा है। मैं जब उसको जा करके कहे तो दस चार आदमी का रोशनी बार के देखा, उसने देखा हाँ हाँ यही मोबाइल से रोशनी किया तो उसको दिखाई पड़ा, तो वो बच्चे को खींच के बाहर किया। ठीक तब लेकर